सो हाँ भाई मेरे सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहली न्यूज़ भाई, मैं इस वीडियो में वसीम का नंबर देने वाला हूं और बताने वाला हूं कैसे कैसे पीसीबी मेरे पास आई हैं। वो पीसीबी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और भी जो मेरे पास स्क्रैप मटेरियल है, जो यूजिबल है और जो स्वैपिंग मटेरियल है, वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। बट यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिन जिन ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है वो पहले अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये ना लूप है। लूप मतलब समझते हैं आप, एक तरीके से आप ये समझे कि एक बक्स समझ लो, यूट्यूब का बक्स है। पुराने चैनलों को क्या हो रहा है, यूट्यूब नए चैनल को प्रमोट करने की होड़ में लगा हुआ है। अभी क्या, हम तो बहुत पुराने लोग हैं भाई, हम तो नए नवारे हैं नहीं है, तो हम तो बहुत पुराने टाइम से वीडियो डाल रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि नए चैनलों पर ना जो वीडियो की लिंक हैं या वीडियो के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो जाते जा नहीं पाते हैं, और बहुत बढ़िया होता है इतने सारे सब्सक्राइबर, 50,000 60,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी 1,000 व्यू मिलते हैं, तो यार ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसे में मन भी नहीं करता है, अगर वीडियो को व्यू अच्छा मिले तो बहुत मन करता है, ऐसा लगता है कि ये सोल्यूशन दे दो, वो सोल्यूशन दे दो। सो आप भी ध्यान रखें, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, तो आपको ज़्यादा सोल्यूशन भी मिलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इतने नॉलेजेबल वीडियो मैं अब लाने वाला हूँ। अभी मैं एक बूट सिक्वेंस वीडियो लाने वाला हूँ मीडियाटेक का, सो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बूट सिक्वेंस मीडियाटेक का, कॉलकम का बूट सिक्वेंस आपको दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे ही, देखो यूट्यूब में बहुत कुछ हो सकता है, यूट्यूब में एक चूहे से हाथी तक सब कुछ है, एक जिंदा हाथी से मरे हुए हाथी तक सब कुछ दिखाया जाता है, बट किस वे में दिखाया जाता है ये नहीं पता है, हो सकता है आपको मेरा वे समझ में आ जाए। सो वीडियो को एंजॉय करो, थैंक यू वेरी मच। और यार दूसरी बात यार, मेरे ना दो चैनल हैं, आप इनको भी सब्सक्राइब करो, एजर टेलीकॉम, इसको भी है ना पहले सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दो, जैसे इसको अनसब्सक्राइब किया, अब इसको सब्सक्राइब कर लो इस तरीके से, और उसके बाद में ना ये बेल आइकन है ना, ये बेल आइकन को दबा दो ऑल करके, तो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं फिर से बता देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब का बटन को दबाना है, अनसब्सक्राइब करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद ये बेल आइकन को दबा देना है कि आपको नोटिफिकेशन मिलना चालू हो जाएगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है वो रीज़न यही है। सो अभी हमने कल यार मास्टर लेवल पे क्लास डाली हुई है, और इस वीडियो में भी काफ़ी कुछ हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पर अभी आपको इसका सेकेंड लेवल भी वीडियो आएगा कि जो MMC स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका क्या एक आउटपुट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे MMC प्रोग्रामर यहाँ पे मिलन सर पढ़ा रहे हैं, और मेरी तो क्लासेस हो चुकी है, मेरी हार्डवेयर की क्लासेस और सॉफ्टवेयर की क्लासेस हो चुकी हैं। तो इसमें ना हमने कंटेंट दिया हुआ है कि ऑनलाइन फ़ोन की प्रोग्रामिंग UEFI से कैसे करें, तो आप इनको पूरा समझिए, और उसके बाद में ऐसे टेलीकॉम आइए, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर हम एक जगह स्टूडेंट को काम करते हुए दिखा रहे हैं, जो लाइव प्रैक्टिकल हो रहा है, जो स्टूडेंट अपनी फ़ोन की, खुद के फ़ोन की MMC या CPU निकाल रहा है, और यहाँ से स्टूडेंट का हम बैकअप ले रहे हैं, तो दोनों चीज़ें हम साइमल्टेनियसली एक साथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट ने निकाला हुआ, और सारे स्टूडेंट से लाइव रिव्यू, और ये रात में हो रहा है लाइव रिव्यू, ये नहीं कि सुबह आते साथ में कि भाई करेंगे, भाई कर चुके हैं तब हम पूछ रहे हैं, और यही हमारे OSP है, तो यही हमारी USP है, तो यही हमारी USP। आप देख सकते हैं ये लाइव और काम करते हुए ब्लैक पिस्टेट पे हार्ड ग्लू, अब मैं हम जो भी बोलते हैं भाई, कोई सा भी बोर्ड हो लेकर आओ और हम आपको उसमें करवाएंगे, और ये तो ये आप देख लो। दूसरा हमारा मेरा पर्सनल चैनल है मनी रत्न स्टोरी, सो उसमें भी सब्सक्राइब करो यार, अभी बिल्कुल 175 सब्सक्राइबर है, अभी भी चालू किया है, अभी बहुत अच्छा एक वीडियो डाला है केबल मैनेजमेंट बॉक्स, अब भी एक मिनट पहले डाला है, व्यू नहीं आया है, अभी आ जाएंगे क्या है, और एक PS5 और कुछ अपने कुछ रिलेटेड वीडियो मैं डालता हूँ, मेरी वाइफ वीडियो डालती है, हम लोग जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं उसका वीडियो डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले आपको बताते हैं कि मैंने क्या परचेसिंग की है वसीम से फिलहाल। तो वसीम से ये देखो, ये सारे बॉक्स, ये देखो ये सब डुअल टेकर के बॉक्स हैं, ये हम ताकि ICAं यूज़ कर सकें, है ना, रैम यूज़ कर सकें। अब देखो आप सोचोगे कि भाई इस बॉक्स, इस बोर्ड में मैं स्वैपिंग कर लूँ, तो देखो कनेक्टर चेंज करना पड़ेगा, बोर्ड की हालत तो ठीक है, कॉम्पोनेंट भी सारे लगे हुए हैं, ये UFS लगा हुआ है, नेटवर्क सेक्शन तो ऑलमोस्ट सही रहता है, और डुअल टेकर का नहीं कह सकते, बट ये है कि अगर पेस्टेड है तो बिल्कुल सही हो सकता है। बाकी इस बोर्ड की आप रीडिंग लो पहले कि बूट सिक्वेंस देखो उसका कितना है, और एक जो स्क्रैप बोर्ड होते हैं उसके बूट सिक्वेंस, हम इस बोर्ड को फिर हम इसको स्वैपिंग कर सकते हैं, मतलब किसी कस्टमर का जो बोर्ड है वो टूट गया है, मान लो सपोज ये बोर्ड यहाँ से इस तरह से, ये देखो इस तरह से यहाँ से टूट गया है, तो आप उसका है ना CPU और रैम और एक UFS निकाल के इस बोर्ड में लगा सकते हैं, ताकि कस्टमर को फ्रेश बोर्ड आप दे सकें, और ये इलीगल है,
इसमें, क्योंकि आपने सेम IMEI नंबर, आपने IMEI नंबर चेंज नहीं किया, ये सारी चीज़ें नहीं की हैं जो कि लीगल होती हैं, बिना डॉक्यूमेंट के तो करनी भी नहीं चाहिए। तो ये एक सलाह, तो ये परचेस आप कर सकते हैं। ये मैंने फुरकान से परचेस किया, इसका भी नंबर मैं दे दूँगा, फुरकान, ठीक है। और दिल्ली, ये फुरकान दिल्ली गाजियाबाद का है और ये वसीम गुजरात का है। तो ये देखो, ये ज़्यादातर ना इसमें ना ओप्पो वीवो के बोर्ड मिलेंगे और वो भी अच्छे कैटेगरी के। और ये देखो बिल्कुल पतरे लगे हुए हैं, सारी स्कैने लगी हुई हैं। ये देखिए कनेक्टर भी आप देखिए काफ़ी अच्छे हैं। और ये मैंने जो टोटल मैंने लिया था, मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा, मेरा 17,000 का बिल बना था जिन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे किया था। ये देखो अभी क्या उम्मीद करोगे, ये देखो ये वन प्लस के फ़ोन है, बेसिकली नोट का भी फ़ोन लिया था, बहुत सारे फ़ोन है, ये सब ओप्पो वीवो के फ़ोन हैं। इसमें वीवो V15 प्रो और ये सब मॉडल भी हैं। ये देखो, और अगर जैसे कोई भी एक मॉडल मैं उठाता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट बोर्ड काफ़ी अच्छा है, कनेक्टर काफ़ी अच्छे हैं। मैं स्वैपिंग के लिए तो बोर्ड यूज़ कर ही चुका हूँ, ये वीडियो तो आप देख ही चुके हैं। ये देखिए 254 बीचे बोर्ड बिल्कुल ओके कंडीशन। तो भाई नंबर वसीम का फ्लक्चुएट हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं। ये देखो बोर्ड हमें बहुत रखने पड़ते हैं, ये देखो ये हमारे सारे यूज़ हो चुके बोर्ड जो हमें यूज़ करने हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारी क्लासेस में यूज़ होते हैं जो हम स्टूडेंट को फ्री देते हैं, ये हमने फुरकान से लिए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश बोर्ड जैसे होते हैं। अब चालू हो या ना हो ये नहीं पता है, बट ये है कि ये काम करने के लिए, ताकि ड्यूल डेकर निकाल के प्रैक्टिस किया जा सके एक फ्रेश बोर्ड में। बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत सारे सेट चालू भी रहते हैं, बट क्या करना, हमको तो इसको सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेसिंग के लिए यूज़ करना है। दूसरा मैं बोर्ड यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये मेरा आईफोन का कलेक्शन है, इसके लिए भी आप फुरकान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया है सिर्फ इसके लिए, ताकि मैं आपको, ये मैंने बोला था कि भाई मैंने अच्छे व्यू अच्छे कमेंट हो गए तो मैं सब करूँगा, सो मैंने किया। और अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपने कुछ बॉक्स के बारे में बताऊँगा कि क्या क्या मेरे पास बॉक्स हैं, और सारे छोटे टूल्स के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो बेसिकली ये कुछ इस तरह का सेटअप है, और यहाँ पर कौन कौन से मैं टूल यूज़ करता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये सब बनाने वाला हूँ, तो यारो लाइक सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके, पहले अनसब्सक्राइब करो फिर सब्सक्राइब करो फिर बेल आइकन दबाओ, ऑल पे टिक करो, थैंक यू वेरी मच। और हमारी 28 जुलाई बैच का अभी आप चाहें तो कॉल लगा सकते हैं, मे बी मेरे ख्याल से फुल हो गई है, बट अगर देख लो अगर एक सीट बची है तो, नहीं तो अगले महीने के लिए, थैंक यू। और MMC पहले आना है तो 14 तारीख का बैच है, और अगर सॉफ्टवेयर सीखना है तो 10 तारीख का बैच है, तो ये आप आ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ आता है तो ऑल द बेस्ट, काम करते रहो। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?